हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तीन वीडियो आ चुकी है, यहाँ पर देखिएगा एशियन ग्रेनाइटो प्रमोटर बने ऑपरेटर जेरोधा में किस तरीके से यहाँ पर फ्रॉड होते हुए बार बार नजर आ रहे हैं। आपका रेडिफ मेल पे अगर अकाउंट है तो वो जाके यहाँ पर अलर्ट है उसके लिए, वरना आपका पूरा डीमैट खाली होता हुआ नजर आएगा। और हम बात करने वाले हैं आज ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो यहाँ पर ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहे हैं बैक टू बैक, ओके, और अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न्स आपको देते हुए नजर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चार्ट पैटर्न इस तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे जानेंगे, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन। दूसरा चैनल है हमारा, उसे भी यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, यहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक है, उसे पे क्लिक करिए इन्वेस्ट फॉर एवर एट ट्रेडिंग डॉट दिल से। यहाँ पर भी आप ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आरती सर्फेक्टेंट की। आरती सर्फेक्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहा है, ओके, अच्छा खासा यहाँ पर बार बार इस लेवल से यहाँ पर नीचे गया था और अगेन यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा। क्या अभी बाइंग करना है? ओके, देखिए इस पर्टिकुलर लेवल से जो इसका हाई था 784 रुपए, इसके ऊपर गया तो यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से ये चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है ना, वो यहाँ पर बता रहा है कि राउंडिंग बॉटम तो यहाँ पर एटलीस्ट बनता हुआ नजर आएगा। तो 976 रुपए तक तो ये जाता हुआ नजर आता है अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट दे देता है, ओके। हो सकता है बीच में यहाँ पर दो चार जगह पर और रुकता हुआ न जाए, बट ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। बस 4 अगस्त को रिजल्ट है, एक बार रिजल्ट देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या करना है, बिहेव करना है। इसके अलावा हम बात करेंगे एक स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है SLA सॉल्यूशन। असल सोल्यूशन मैंने आपको काफी बार बताया, बट इसे रियल ब्रेकआउट के लिए ऊपर जाना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत बेहतरीन शेयर है, इसके बारे में मैंने पूरी केस स्टडी कर रखी है और आपको बताया भी है, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ तक तो जाता हुआ नजर आ रहा है, रिजल्ट एक बार देख लेते हैं उसके हिसाब से। IT का शेयर है, दिग्गज शेयर है, बट शेयर ऑलरेडी इतना गिर गया, मुझे नहीं लगता ज्यादा गिरेगा। गिरेगा भी अगेन यहाँ पर वही 100 रुपए तक की यहाँ पर गिरावट, 100-150 रुपए की गिरावट, और इसके बाद चीजें दोबारा भागती हुई दिखाई देगी। और जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, ये अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए दिखाई दे सकता है, पूरा राउंडिंग बॉटम भी बन सकता है। SLA की तरफ ध्यान देना पोजिशनल बेसिस पे और यहाँ पर इंट्राडे बेसिस पे। इसके अलावा हम बात करेंगे अडानी पोर्ट की। अडानी पोर्ट भी देखिए काफी बार आपको स्टॉक्स बताया है, ओके, और यहाँ पर अडानी पोर्ट में सबसे ज्यादा यहाँ पर दिखाई देता है कैलिबर, जितना कैलिबर दूसरे शेयर में अडानी के में नहीं दिखाई देता, वो भाग रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ भाग रहे हैं। बट अगर बात करें शेयर अच्छा खासा है ऑलरेडी, नीचे से ही आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर शेयर चलेगा। आज अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ब्रेकआउट तो यहीं पर ही होता हुआ नजर आया था, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं 757 के आसपास। फिर दूसरा ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ 800 के आस 780 के आसपास, अगेन यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। अब क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगेन यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं, और चीजें उसके बाद और ऊपर ज्यादा निकलेगी, नीचे यहाँ पर आने नहीं वाली, इस चीज को समझिएगा। अल्काइल अमीन्स यहाँ पर भी इस शेयर की तरफ आपको ध्यान देना है, इसके भी यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं, आज ही इसके रिजल्ट है, एक बार रिजल्ट देख लेंगे उसके बाद हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट ये शेयर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पे यहाँ पर दोबारा आके खड़ा हो गया, एक रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, एक रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हो गया है 3216 जो इसका लेवल था, आज जो बनाया था इसे अगर निकाल देता है सीधे शेयर यहाँ पर 3448, और यहाँ पर और भी ऊपर जाके अच्छा खासा अगर रिजल्ट हुआ है तो चीजें और भी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अल्काइल अमाइंस की तरफ भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। बहुत दिनों से मैं आपको यहाँ पर एक स्टॉक्स बताते जा रहा हूँ जिसका नाम है अनुपम रसायन। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये एक बेहतरीन शेयर है, इसके रिजल्ट अच्छे खासे हैं, चीजें नीचे आ रही है, कंसोलिडेट कर रही है, इट्स ओके, शेयर में बने रहिए, अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा, ओके। इसने 846 का हाई लगाया था, 846 को हाई को तोड़ा तो यहाँ पर सीधे चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। मुझे सबसे पहला टारगेट तो ये दिखाई दे रहा है 940 का, इसके बाद यहाँ पर चीजें मुझे दिखाई दे रही है राउंडिंग बॉटम, जो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से बार बार बता रहा हूँ सीधे बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1111 का, और चीजें यहाँ पर रुकने नहीं वाली, चीजें और ऊपर जाएगी, और हमेशा चीजें लगातार नीचे नहीं आती, लगातार ऊपर नहीं आती, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, थोड़ी गिरावट हो तो परेशान मत होइएगा। एशियन टाइल्स, ओके, या एशियन ग्रेनाइटो, ऑलरेडी एक वीडियो अभी मैंने आपको बनाई है और आप बना के आपको बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। ये इस वाले लेवल को और निकाल दे 51 का तो एक अच्छी खासी तेजी होती हुई दिखाई दे रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी। तो इसकी तरफ भी आपको क्या करना है, इसकी तरफ ध्यान देना है। इसके अलावा सेम बालाजी अमाइंस, कुछ दिन पहले भी आपको ये स्टॉक्स यहाँ पर कवर किया था, इसमें लगातार तेजी हुई थी, यहाँ पर देखिए ये स्टॉक्स में मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर देखिए
इधर के बाद नीचे आया, नीचे आके दोबारा मैंने लगा बताया था लगातार तेजी नहीं होती, थोड़ा कंसोलिडेशन फिर उसके बाद तेजी। जब इस तरीके से शेयर भागता हुआ दिखाई दे और थोड़ा सा नीचे आया ना, खरीद लेना, ऐसे में और पैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और तेजी दिखाई दे रही है 3900। और ये शायद अब दोबारा अपने ये सारे कंसोलिडेट लेवल को यहाँ पर से निकाला तो चीजें और ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। तो इस शेयर की तरफ भी आपको क्या करना है, इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना है। डेल्टा कॉर्प ओके 180 पे जब शेयर था तब से ही बताता आ रहा हूँ, इस शेयर की तरफ ध्यान देना है, ब्रेकआउट होते हुए नजर आया। देखिए यहाँ पर मैंने नीचे जब पूरी वीडियो बनाई थी तब यहाँ पर नीचे चल रहा था, मैंने आपको बताया था मैंने यहाँ पर बाइंग कर लिया है। और देखिए उसके बाद से लगातार ये भागता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 15% के रिटर्न अभी तक दे चुका है और रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। राउंडिंग बॉटम सीधा बन रहा है 241 के पहले, बेचना नहीं है और 241 के बाद रखना नहीं है क्योंकि यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें, इस दूसरे स्टॉक्स की बात करेंगे मेटल का, ये HEG, HEG की तरफ ध्यान देंगे। HEG लगातार देखिए तेजी में है ओके, यहाँ पर ये स्टॉक्स मेरे पास है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से ये सीधे राउंडिंग बॉटम बना रहा है बट उसके बाद चीजें रुकेगी नहीं, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर बना के ये और टारगेट ऊपर देगा और शायद अपने जो इसने जिस तरीके से गिरता हुआ नजर आया था इस तरीके से राउंडिंग बॉटम बना के सीधे निकलता हुआ नजर आए शायद 2500 रुपए के लेवल तक। तो इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ भी आपको क्या करना है, इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा हम अगर दूसरे शेयर की बात करें तो दूसरे शेयर में मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ जो कि यहाँ पर दिखा रहा है एमटा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी। नीचे जब ये शेयर आया था तब मैंने आपको बता दिया था, नीचे वीडियो बनाई थी फिर ऊपर गया था, फिर इसके बाद दोबारा ये शेयर नीचे आया ओके, और अगेन अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, अब दिखा रहा है कि यहाँ पर शेयर में दोबारा तेजी होती हुई दिखाई दे रही है। जो ये यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है इन्वर्टेड हैमर, ये चीज बता रही है अगर इसका हाई निकाल दिया तो सीधे यहाँ पर 1441, इसके भी रिजल्ट आने वाले, एक बार इसके रिजल्ट देख लेते हैं ओके, उसके बाद शेयर में और बेहतरीन तेजी होती हुई दिखाई देगी। और कुछ दिन पहले एक ब्रीफ में वीडियो बनाई थी रिलायंस इंडस्ट्री रिलायंस IND इंफ्रा से रिलेटेड और आपको बताया था ये इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है थोड़ा सा नीचे आया है, अगेन इस रेजिस्टेंस को 1048 को यहाँ पर इसने क्रॉस किया, सीधे शेयर यहाँ पर 1137 और यहाँ पर 1200 के लेवल को यहाँ पर टच करता हुआ दिखाई देगा। एज इट इज बने हुए ये पर्टिकुलर शेयर के टारगेट, सिंपल इन्वेस्ट करके चलिए। रूट मोबाइल के रिजल्ट आए थे, शेयर बता दिया था मैंने आपको, बता दिया था कि किस तरीके से ये शेयर आपको यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है ओके, इस शेयर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कैसे यहाँ पर ये शेयर कुछ टाइम में यहाँ पर सीधे जो इसका हाई था ना सीधा लगाता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले टारगेट तो यहाँ पर 1600 के आसपास आ रहा है, उसके बाद इसने धीरे धीरे करके ऊपर जाके नीचे फिर ऊपर जाके नीचे करके ओके यहाँ पर हायर हाइज बना के चीजें यहाँ पर ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, इसकी तरफ ध्यान देना है। इसके अलावा इस शेयर को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल के टारगेट मैं आपको बता चुका हूँ, शेयर यहाँ रुकने नहीं वाला है, शेयर यहाँ पर 1100-1200 से पहले यहाँ पर रुकने नहीं वाला है, कंसोलिडेट होगा फिर चीजें ऊपर जाएगी, यहाँ पर फिर कंसोलिडेट होगा फिर ऊपर जाएगी, इसी तरीके से यहाँ पर इसमें चीजें चलती हुई नजर आती है। इसके अलावा वैभव ग्लोबल में भी यहाँ पर एक तेजी होती हुई दिखाई दी आज ओके, यहाँ पर ये शेयर आज के डेट में भागता हुआ दिखाई दिया बट यहाँ पर अभी रिजल्ट देख लेंगे, रिजल्ट के बाद अगर रिजल्ट अच्छे आए तो शेयर सीधे निकलता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद ही हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है ओके। सीधे 62% के रिटर्न भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे, रिजल्ट है इनके तो इनके रिजल्ट पे हमें ध्यान देना है। इसके अलावा वेंकीज इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ भी ध्यान देना है, यहाँ पर सीधे ये शेयर 2400 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे पहले 2300 पे रुकेगा फिर यहाँ पर 2471 के आसपास रुकेगा, बट अगर रिजल्ट अच्छा है तो यहाँ पर रिजल्ट अच्छा है या ना आए यहाँ पर शेयर चीजें ऊपर जानी ही जानी है क्योंकि ये पर्टिकुलर सेगमेंट के इससे बेहतर शेयर यहाँ पर नजर नहीं आते। और गिरावट हुई तो फिर गिरावट अगेन यहाँ पर जो इसका सपोर्ट बना हुआ है यही सपोर्ट यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स है जिनकी तरफ आपको ध्यान देना है ओके, इन पे ध्यान देंगे अच्छा खासा पैसा बनेगा। इसके अलावा और भी शेयर है जो ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ है, स्टिल और ब्रेकआउट होंगे तो मैं लाऊंगा, उसमें निफ्टी का हम एनालिसिस भी करेंगे क्योंकि निफ्टी बहुत ऊपर चली गई है, कभी भी यहाँ पर गिर सकती है, उसका रेजिस्टेंस भी सामने है, तो वो सब चीज बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।